और बाकी तो बायजूस जो नोट्स प्रोवाइड करता है वहीं से, और पाथफाइंडर भी मैंने रेफर की थी। ओके बट योर नोट्स वेर मच हेल्पफुल थे। ओके सो नाउ वी आर लाइव। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। टुडे वी हैव उजास विद अस एंड शी हैज क्वालिफाइड जी सेट रिसेंटली। So a very warm welcome and heartiest congratulations, Ujaz, for qualifying this exam. Thank you, ma'am. So Ujaz, it is very great thing that you have qualified your GSET while you are pursuing your MSc. आप थोड़ा सा अपना introduction दीजिए students को। मैंने बता दिया है कि you have qualified GSET, but you belong to which city and you are in which year of your post graduation and you are doing this in which particular subject? Please introduce yourself with our students. Okay. So my name is Ujas Khasia and I am from Gujarat and Gujarat Mahua. And I am studying in Bhavnagar University and in life science subject. And my main subject is microbiology and I am currently in semester 4 of microbiology. Okay, semester 4 of microbiology. Nice. So you are preparing for CSIR NET since the first year of your college. This is what you have said. First year of master's. First year of master's. Okay. So I am particularly not from Gujarat. I am from Madhya Pradesh. So वैसे मैं सभी students को उनके papers देख के समझाती रहती हूँ कि what is the paper pattern and all. और हमने GSET के ऊपर भी discussion किया हुआ है. पर यहाँ पर हम directly Ujaz से पूछेंगे कि Ujaz यहाँ पर आप बताइए कि paper pattern exactly कैसा था. It was for how much duration and what was the difficulty level. अगर आप CSIR के PYQ से compare करें, पुराने papers से compare करें, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? इधर ऐसा पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होते हैं पेपर में। पार्ट जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन होता है और पार्ट बी में हमारा सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वही होता है। और मेन डिफरेंस क्या होता है कि पार्ट ए 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स पर क्वेश्चन ऐसा। और पार्ट बी जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 200 मार्क्स, सो टोटल वी हैव 300 मार्क्स। एंड पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड में इतना हाई लेवल का नहीं होता जितना हम सीएसआईआर में एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें टीचिंग लेवल का भी आता है, फिर सिंपल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और ऐसा सब क्वेश्चन होता है। और पार्ट बी में तो सेम, आई थिंक देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन दैट। ओके, सो ऐसे कह सकते हैं कि जो पार्ट ए है वहां पर जनरल एप्टीट्यूड के थोड़े सिंपल क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड राइट, देन कम्युनिकेशन स्किल आता है, देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस आता है, देन ऑल ओवर इंडिया का जनरल नॉलेज आता है, वर्ल्डली कोई अफेयर चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और जी गुजरात से रिलेटेड ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं। उसका पोर्शन बहुत कम होता है, लाइक टू क्वेश्चन। यस, सो मोस्ट ऑफ द मार्क्स तो आपका कंप्यूटर साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड से ही निकल के आ जाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज इतना वास्ट है कि एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट जब उसे पढ़ने जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो कितना पढ़ेगा, ऑलरेडी लाइफ साइंस काफी वास्ट है। सो ओके, पार्ट ए तो आपने बताया, पार्ट बी जो आप जी सेट के बारे में कह रहे हैं, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट लाइक पार्ट बी ऑफ सी एस आई आर, नॉट द पार्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सो उजास आप बताइए कि यहाँ पर ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी में से कौन सी यूनिट्स में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं? इस पार्ट तो ज्यादा पेपर प्लांट फिजियोलॉजी में था, आई थिंक 40% पेपर प्लांट फिजियो था इस पार, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करता था। और फिर सेल बायोलॉजी भी था जो आपने पढ़ाया था, और सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग उसमें भी, और एट लास्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हाँ इसका पोर्शन था। मतलब कह सकते हैं कोर बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन थे, अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी बोल रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी बोल रहे हैं, तो ये दोनों तो कोर हो गए, देन सेल बायोलॉजी यू सेड राइट। ओके, एंड अवर सिग्नलिंग पार्ट, मतलब यहाँ पर जेनेटिक्स में से कंपैरेटिव कम आया है, थोड़ा दो क्वेश्चंस थे फ्रॉम इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, सो 300 मार्क्स का जैसे ही होता है, वैसे आई डोंट थिंक सो यहाँ पर स्कोर कोड कार्ड डिक्लेयर किया जाता है, दिस क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड आता है राइट, जस्ट कट ऑफ आता है पर सब्जेक्ट। सो व्हाट वाज द कट ऑफ फॉर लाइफ साइंस?
For the OBC category, and it was 147 marks, and for general category, it was 162 marks for life science. मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट CSIR जैसा ही कट ऑफ है, 60% प्लस जनरल एंड 50% के अराउंड ओबीसी कैटेगरी में ही सेम CSIR, मतलब सारी लाइफ साइंसेस एग्जाम्स का यही कट ऑफ जाता है ऑलमोस्ट सब जगह देखा जाए तो. ओके दैट्स नाइस. अब आप बताइए कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा था, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के साथ में आपने जो सेट की तैयारी करी, तो थोड़ा सा अपना स्केड्यूल बताइए ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले हाउ टू मैनेज द टाइम. तो जनरली कैसा होता है कि पूरा वीक हम बिजी रहता है सुबह से शाम तक. सो सुबह मैं जल्दी उठती थी और जो भी पहले दिन का जो भी प्रिपेयर किया था वही रिवाइज करती थी, और कॉलेज से आने के बाद मैं नई क्लासेस सब भी अटेंड करती थी. पूरे दिन मैं आपने लिए है और सर ने लिए है वो सभी, और अटेंड करने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और तभी भी मैं जितना हो सके उतना तभी करती थी, बाकी सुबह मैं उठ के करती थी. और ऐसा ही पूरे शेड्यूल रहता था, और संडे तो हमारा हॉलीडे रहता था, तो संडे जो भी पूरे वीक में मैंने कवर किया है उसका रिविजन मैं संडे को करती थी, और बाकी के नोट्स जैसे पाथफाइंडर है और मैं जनरल आपके नोट्स भी और बायजूस ने प्रोवाइड किए वो भी नोट्स, वो सभी मैं संडे रिफर करती थी, और सेम शेड्यूल आई फॉलोड फॉर ईयर. जैसे आप फॉलोड फॉर ईयर, तो अभी जो CSIR हुआ था 2022 सितंबर, जैसे हम 2022 जून सेशन थे वो आपने एग्जाम दिया था? नहीं, उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज एंड आल्सो यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम्स थे. सो ओके, सो कह सकते हैं कि अब आने वाले 4 महीने में जो CSIR है, आई होप उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. क्या लगता है आपको, व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम? I think if I prepare the same way I have prepared since last year, then it can be done. So हम बायजूस से सभी विश करते हैं कि एग्जाम आपकी क्वालिफाई हो जाएगी. डेफिनेटली इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, जिस तरह से आपने सिंसियरिटी से अभी पूरा अपना स्केड्यूल बताया उससे यही है कि कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको सक्सेस मिलनी ही है. अगर आप रोज कॉलेज से आने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड देन संडेज यू आर यूजिंग फॉर PYQs एंड रिवीजन, सो दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी. अ स्टूडेंट कैन डू दिस मच फ्रॉम हिज साइड, और वही रिक्वायर्ड है, और यही आप कंटिन्यू रखिए, PYQs पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, डेफिनेटली विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. अब जैसे कि आप माइक्रोबायोलॉजी से हैं और आपने कहा ह्यूमन फिजियोलॉजी में से भी क्वेश्चन आए थे, प्लांट फिजियोलॉजी में से भी क्वेश्चन आए थे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह के कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इंडिया. तो आपको क्या लगता है कि इनको कोर सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी जाती है या कोर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो ईजी टू हैंडल? एक्चुअली इट्स ईजी टू हैंडल बिकॉज ऑफ द गाइडेंस यू ऑल हैव प्रोवाइडेड. समटाइम्स आप जब कह रहे थे कि आप यही चीज पर फोकस करना, यही चीज ज्यादा करना, तो वो सब हम नोट्स में लिख लेते हैं, और जब आई एम प्रिपेयरिंग आई विल फोकस ऑन दैट थिंग्स. लाइक आप सर ने प्लांट फिजियोलॉजी में कई बार किया था कि यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, और दैट वॉज द की कि आप बता देते हो कि यहीं से आता है. सो वी डोंट हैव टू लुक ऑल और पूरे पूरा चैप्टर हमको नहीं देखना पड़ता. एग्जैक्टली यही है कि मींस अगर कोई गाइडेंस मिल जाता है तो आपको बाउंड्री पता चल जाती है. अदरवाइज लाइफ साइंस इज सच अ वास्ट थिंग कि आप क्या क्या रिटेन करके रखोगे इन योर मेमोरी, राइट? सो यहाँ पर गाइडेंस को आप एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मान सकते हो कि आपको गाइडेंस जो मिला उसके अकॉर्डिंग आप पढ़कर गए एंड यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस. बट डेफिनेटली स्टूडेंट का एफर्ट सबसे ज्यादा है, गाइडेंस के बाद भी रिटेंशन है वो स्टूडेंट को करना है, और उसे अपने फैकल्टी की बात सुनना है, उस पर ट्रस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. आपने बताया कि आपने कुछ बुक्स रेफर करी थी, वो डेफिनेटली वी हैव नोटेड, पर स्टैंडर्ड बुक्स की जहां तक बात आती है तो आपने क्या कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर करी है अदर देन द बुक्स यू हैव मेंशन? नो मैम, आई हैव जस्ट रेफर्ड बायजूस नोट्स एंड पाथफाइंडर. बायजूस नोट्स एंड पाथफाइंडर, ओके. और जी सेट
तो अगर हम देखें उसका जो बी सेक्शन है, तो उसमें आप बता चुके हैं कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए थे. अब थोड़ा सा और प्रिसाइज होते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि अगर प्लांट फिजियोलॉजी यू हैव सेट कि मैक्सिमम पोर्शन वॉज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, तो कौन कौन से टॉपिक्स थे, और उसके अलावा जो जो यूनिट्स आपने बताई वहां पर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे सेशन देख रहे हैं दे आर फ्रॉम लाइफ साइंसेज, तो दे विल बी really looking forward to कि कोई ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं. और हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे तो मेनली बायोसिंथेसिस वाला सर ने भी इम्पोर्टेंट बताया था और मैंने उस पर भी ज्यादा फोकस किया था. बायोसिंथेसिस में से क्वेश्चंस थे. और अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी उसकी बात करें तो फिर उसमें जनरल क्वेश्चन थे लाइक तो हॉर्मोन्स और एंजाइम्स और उसके बारे में जो होता है वो जनरल क्वेश्चन है. डाइजेशन के बारे में स्पेशली इफ यू आर एमिंग फॉर जीसेट देन 11th 12th एनसीईआरटी इज द की. दैट वाज द मेन थिंग दैट हेल्प मी इन जीसेट एंड आल्सो द पीवाईक्यूज. आप हमेशा बोलते रहते कि पीवाईक्यूज रेफर करो, तो मैंने इतने पीवाईक्यूज रेफर किए कि जीसेट के सारे जो एग्जाम्स थे वो भी पीवाईक्यूज कर दिए और बाकी स्टेट के एग्जाम्स थे जीसेट, तमिलनाडु सेट, कर्नाटका सेट, आई हैव आल्सो सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चंस. उसमें ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, और जो आपने पोर्शन लिया था उसी में से ज्यादा क्वेश्चन सेल बायोलॉजी का मेन क्वेश्चन उसी पोर्शन में से था. और इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस बायोलॉजी में बात करें तो आफ्टर मियोसिस माइटोसिस और वो सेल का लिंक होता है इनहेरिटेंस के साथ. So, linked questions, inheritance और cell biology दोनों में से थे. वो भी आपने बताया था कि ऐसे linked questions भी आते हैं, तो उसी पर भी मैंने ध्यान दिया था. उसमें जो chromosomal abnormalities या chromosomal number वाला जो changes है, वो उससे linked जो questions रहते हैं, वो दोनों में fall कर वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं. Okay. And then cell signaling में कहाँ से question आए थे? Cell signaling में से इतना detail में नहीं था, just general questions था और उसके चार से पांच क्वेश्चंस थे. ओके ओके, नाइस टू नो दिस कि आपने एग्जैक्टली बताया कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, तो ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्पफुल रहेगा. अब अगर आपका CSIR क्वालिफाई होता है, सो इन व्हिच सब्जेक्ट यू विल लाइक टू डू योर पीएचडी? पीएचडी तो इन जनरल आई एम इंटरेस्टेड इन कैंसर एंड रिसर्च अबाउट कैंसर बायोलॉजी एंड एवरीथिंग. सो कैंसर बायोलॉजी. ओके, सो कैंसर बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्दर प्रिपेयर करिएगा माइंड कि कहाँ से कर सकते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द होल टीम उजास. स्टार्टिंग में कहना था मुझे दैट आई रियली लाइक योर नेम. नाम में ही इतनी ब्राइटनेस है, वेरी ब्यूटिफुल नेम. सो जैसे कि आपका नाम है, आप जीवन में बहुत सारी, आपके जीवन में ब्राइटनेस रहे, आप बहुत अच्छा काम करें इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस, बहुत अच्छी रिसर्च करें. आई थिंक यू वांट टू गो इनटू रिसर्च और यू वांट टू गो इनटू एकेडमिक्स. रिसर्च मैम. रिसर्च. सो हार्टीएस्ट बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द होल टीम ऑफ बायोजूस फॉर क्वालिफाइंग दिस जीसेट एग्जाम. एंड योर जर्नी डज नॉट एंड ओवर हियर. आपकी जर्नी से बहुत आगे है. आपको CSIR क्वालिफाई करना है, JRF क्वालिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू परस्यू योर रिसर्च. सो जिस तरह से आपने आपका स्केड्यूल बनाया, फॉलो इट फॉर सम मोर टाइम, जब तक आपका एम आपको नहीं मिल जाता है. सो इसी के साथ वंस अगेन हार्टीएस्ट बेस्ट ऑफ लक. आप लास्ट में जा सकती तरफ से स्टूडेंट्स को या किसी को भी कोई मैसेज कॉन्वे करना चाहते हैं, सो प्लीज गो अहेड. मैम ऐसे तो आई वुड लाइक टू थैंक बायजूस टीम एंड आल्सो माय पेरेंट्स फॉर देयर सपोर्ट दैट दे बिलीव्ड इन मी एंड आल्सो माय फ्रेंड्स. सो दैट्स ब्यूटीफुल. ठीक है, तो इसी के साथ दिस एंड्स आवर सेशन एंड वी विल डेफिनेटली लाइक टू सी यू अगेन व्हेन यू हैव क्वालिफाइड CSIR एग्जाम विद अ गुड रैंक. Right, so thank you very much. Thank you to all the students who were there, who were listening. And jitna bhi Ujaz ne bataya hai, noted down on a paper, jitne bhi topics unhone kahe hai, wo sare hi exams ke liye important hote hai. Aap jo bhi exam ke liye prepare kar rahe hai, it is going to be very helpful. Try to put your full concentration at least on those topics. So isi ke saath session end karte hai. Thank you very much and we'll meet again with once again a topper who has qualified some exams. Thank you everyone. Bye Ujaz. Bye all the teams.